हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग वाओ गार्डनिंग। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इस बीच वीडियो नहीं आ पा रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा बुखार आने के कारण मैं आपके लिए वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जो है वीडियो कंटिन्यू आएगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है दोस्तों कि आप अपनी जो हैंगिंग प्लांटर्स लगाए हैं, हैंगिंग बास्केट्स लगाए हैं, उसमें वाटरिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को हमेशा एक क्वेरी पूछी जाती है कि आप अपने हैंगिंग प्लांटर्स में वाटरिंग कैसे करते हैं, उसकी केयर कैसे करते हैं, क्योंकि समटाइम्स काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है हैंगिंग बास्केट में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि समर्स का सीज़न चल रहा है, और यहाँ पर अभी मैंने ग्रीन नेट इसकी सेफ्टी के लिए लगाई है, और अभी जो प्लांट्स की दोस्तों हेल्थ है वो कुछ ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, फिर भी मैं आपके साथ जो है ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी उसको अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकें। यहाँ पास आप देखिए, जैसे आपने पहले वीडियो में देखा होगा, प्लांट्स की जो हेल्थ थी वो काफ़ी अच्छी थी, बेटर थी इससे, पर अभी जो है इसकी हेल्थ उतनी अच्छी आपको नज़र नहीं आएगी। तो फिलहाल जो है हम बात करेंगे इसकी वाटरिंग की, कि वाटरिंग मैं कैसे करता हूँ। तो देखिए, मैंने इसको ऐसी जगह पे प्लेस किया है जहाँ पे मेरा जो है हाथ है काफ़ी आसानी से पहुँच जाता है, और मेरे हाइटेट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। अगर आपने ऐसी जगह पे इसको लगाया है जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो आप कोई स्टूल का यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में यही बताया था कि आप एक मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपको ईज़िली दोस्तों इसको अगर निकालना है, अगर ज़्यादा आंधी तूफ़ान चल रहा है, तो आप इसको उतार भी सकते हैं और आराम से इसे हैंग भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको आप बनाइएगा। तो अभी मैं बात करता हूँ वाटरिंग की। तो देखिए, वाटरिंग जब भी मैं करता हूँ तो इसमें रेगुलर वाटरिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें ऐसा जो है मीडिया रेडी करने के लिए आपको बताया था जो काफ़ी मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं इस बात को भी मेक श्योर करता हूँ कि इसमें रेगुलर वाटरिंग ना हो, क्योंकि ओवर वाटरिंग से आपको पता है कि प्रॉब्लम में जो है प्लांट जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, रूट रॉट की प्रॉब्लम होती है, और एक समय आने पर प्लांट जो है हमारा डाई कंडीशन पर चला जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपनी फिंगर के थ्रू थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल को चेक कर लेता हूँ। अगर थोड़ा सा भी ये इसमें नमी दिखती है, थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर रहता है, तो फिर मैं अवॉइड करता हूँ इसमें वाटरिंग करना। तो अगर जब मैं इसको चेक करने के बाद मुझे अगर फील आती है कि नहीं ये ड्राई लग रहा है, टॉप सॉइल इसकी जो ड्राई लग रही है, तो उसके बाद ही मैं इसमें जो है वाटरिंग करता हूँ। तो अभी जैसे ग्रीन नेट लगी हुई है, तो यहाँ पे फ़िल्टर सनलाइट्स आती है, इनडायरेक्ट सनलाइट भी मिलती है, तो इतना जल्दी इवेपोरेशन नहीं होता है वाटरिंग का, तो उस कारण से मुझे रेगुलर वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे 2 से 3 दिन में इसको वाटरिंग करना पड़ता है, पर हाँ ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मैं एक भी दिन स्किप कर दूंगा तो प्रॉब्लम स्ट्रेस पे चले जाएंगे। तो आप इस बात का बेशक ध्यान रखिएगा कि वाटरिंग इसको समय से किया जाए। अब दूसरी बात ये होती है कि वाटरिंग करने का तरीका क्या क्या हो सकता है इसमें। वाटरिंग करने की सबसे पहली मेथड दोस्तों ये है, हमारी जो गार्डनर बॉटल्स होती है जिससे अपन मिस्टिंग वगैरह करते हैं, इसमें स्ट्रॉवरिंग कराते हैं, तो ये सबसे अच्छा दोस्तों एक ऑप्शन होती है वाटरिंग करने का। तो देखिए, आप इसके अंदर से इसको ऐसे लगा के वाटरिंग कर सकते हैं, पर इसमें ये होता क्या है कि इसमें कभी कभार अंडर वाटरिंग हो जाती है, कभी कभार ओवर वाटरिंग हो जाती है। हाँ, अगर आपका हाइटेड पे प्लांट है तो आप इससे ईजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर समटाइम्स ऐसा होता है कि प्लांट्स को जैसे मैंने बताया ओवर वाटरिंग के कारण भी दिक्कत हो जाती है, और इसमें ऐसी प्रॉपर वाटरिंग नहीं हो पाती जैसे हम अपने हाथों से करते हैं। तो दूसरा जो दोस्तों है, मैं यूज़ करता हूँ अपना नॉर्मल बकेट और इस मग से यूज़ करता हूँ वाटरिंग करने के लिए। ऐसा यूज़ करता हूँ, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं इसमें ऐसे वाटरिंग कर देता हूँ, ये चारों तरफ से मैं इसे घुमा के वाटरिंग करता हूँ। क्योंकि इसमें एक चीज़ और प्रॉब्लम आती है कि जिस जगह से दोस्तों आप वाटरिंग करते हैं, और उस जगह पे अगर आप वाटरिंग एक बार करते रहते जाएंगे, बार बार रेगुलरिटी बेस में अगर आप वहीं पे वाटरिंग करेंगे, तो वहाँ पे एक गैप बनने लगता है, होल बनने लगता है। उस कारण से क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं आपकी प्लांट्स की वो ओपन हो जाती हैं, और ओपन होने में भी जो है समर्स के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम में जाता है, स्ट्रेस पर जाता है, क्योंकि हीट लगती है रूट्स में, तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब होने लगता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्लांट्स को हमेशा टर्न करके जो है वाटरिंग कीजिएगा, या तो फिर आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा जहां आपको गैप समझ में आ रहा है तो उधर से आप वाटरिंग करना अवॉइड कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से अगर आप वाटरिंग करने लगेंगे वो परफेक्ट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यानी कि जैसे आपने पहले लगाया था बिल्कुल वैसा हो जाएगा लेवल में। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखा करिए, एक ही तरफ से वाटरिंग करना थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो देखिए, एक और क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है कि आपका ड्रेनेज होल जो है अच्छे तरीके से काम करता है कि नहीं। तो बिल्कुल काम करता है, आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने आपके साथ अभी वाटरिंग करके इसमें शेयर किया, और आपके साथ ये भी शेयर कर रहा हूँ कि देखिए कितने अच्छे से इसमें जो है वाटर से ड्रेन आउट हो रहा है। तो आप यहाँ पास देख रहे होंगे कि कोई भी पानी के साथ मेरी सॉइल या किसी भी तरह का जो इसमें सॉइल मिक्सचर है वो बाहर नहीं आ रहा है।
तो वो मैंने कैसे बनाया है, आप इसके पहले जो मैंने वीडियो शेयर की है इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं और कैसे लगाते हैं उस वाली में आप जाके देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसका मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो ड्रेनेज होल से, अब कई लोग ये पूछते हैं कि पानी निकलता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो देखिए जब भी मेरे यहाँ पे निकलता है बारजे में, जैसे मैंने इसे लगाया अपने बैल्कनी में, तो जब भी इसमें पानी निकलता है मैं इजीली इसको वाइपर से बाहर कर देता हूँ, उसमें कोई इतना ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। और अगर आप वाइपिंग नहीं भी करते हैं तो ईज़िली ड्रेन आउट हो ही जाता है, आप कहीं ना कहीं से जो होल्स बनाए रखते हो बाहर निकलने के लिए पानी का, तो वहाँ से ईज़िली ड्रेन आउट हो जाएगा, इतना कोई सोचने की बात नहीं है। तो जैसे जैसे मैंने बताया है आप वैसे कीजिएगा। और इसमें अब दोस्तों फाइनली लास्ट एंड थर्ड ऑप्शन होता है वाटरिंग करने का, पाइप से, पाइप के थ्रू आप जब वाटरिंग करते हैं, अगर आप गार्डनिंग में अपने पाइप यूज़ करते हैं वाटरिंग के लिए, तो आप उससे डायरेक्टली इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखिएगा जो उसका फोर्स है, फ्लो है, वो थोड़ा सा धीमा होना चाहिए, अगर तेज़ रहेगा तो जितनी भी पूरी मिट्टी है वो बाहर फेंक देगा और आपका प्लांट जो है वाटर को अच्छी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो ये तो होगी दोस्तों वाटरिंग के बाद, अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर कर देना चाहता हूँ आपके साथ। जैसे कि टाइम चल रहा है समर्स का, तो वाटरिंग के साथ साथ दोस्तों प्लांट्स को थोड़ा मिस्टिंग की भी ज़रूरत होती है, तो आप थोड़ा सा इसको अगर ऐसे करते रहेंगे तो इनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है और जितनी भी डस्ट वगैरह रहती है इनके ऊपर से वो निकल जाती हैं और जो आपकी लीव्स लगी रहती हैं वो काफ़ी शाइनी हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे करिएगा। साथ ही साथ आपका ये जो पॉट होता है दोस्तों, आप इसमें भी इसको यहाँ पर तेज प्रेशर से मार सकते हैं। इसमें ये होगा कि जिसका बाहरी आउटर लेयर है, ये जिसमें भी डस्ट बैठ जाती है, धूल वगैरह बैठ जाती हैं, ये ईज़िली ड्रेन आउट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और आपका जो है बकेट जो है लगाने वाली जो ये हैंगिंग बास्केट है, जैसा आपने मार्केट से परचेज़ किया था बिल्कुल वैसे ही दिखने लग जाएगी और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूँ कि जब मैं इसमें ऐसे स्प्रे कर रहा हूँ तो कितना इसमें से ये गंदा निकल रहा है, देखें यहाँ पास अब ये कितनी क्लीन हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसी ही बेसिक चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये तो ऐसे बताने की चीज़ नहीं है, फिर भी आपने इतना मुझे बार बार पूछा था इसलिए मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप मैंने आपके साथ जो भी ये चीज़ शेयर की है कि वाटरिंग कैसे कर सकते हैं आप अपने हैंगिंग प्लांटर्स को, हैंगिंग बास्केट प्लांटर्स को, आई होप दोस्तों मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छी लगी है और समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है, वेलेबल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।